बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करने के लिए आपको डिवाइस पे ट्रस्ट व्यू की एप्लीकेशन मिलेगी, ट्रस्ट व्यू, जो आपको क्लिक करनी है। आपको अपनी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करना है और लॉगिन करना है हमारे द्वारा दिए हुए क्रेडेंशियल से। जो लॉगिन डिटेल्स होंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो लॉगिन डिटेल्स आपको अपने सेंटर वाइज डालनी है और लॉगिन पे क्लिक करना है। क्रॉस चेक करना है सेंटर्स डिटेल्स कि उसी सेंटर पे आपका ड्यूटी लगा है जिस पे आपको जाना है, और करेक्ट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं करेंगे उस एप्लीकेशन पे लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको सेंटर्स पे जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनका डेटा आपको उस पे दिखाई दे जाएगा और सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। राइट साइड बारकोड आइकन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बारकोड स्कैन करना है या फिर मैनुअली भी टाइप आप कर सकते हैं। जो रोल नंबर आता है उसको आपको क्रॉस चेक करना है। तो ब्लू कलर का जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करके आपको कैंडिडेट का फोटो क्लिक करना है विदाउट मास्क। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट मास्क आपको फोटो क्लियर कैप्चर करना है कैंडिडेट का। अगर फोटो गलत आता है तो रिट्राई भी करके आप दोबारा से उसको सेव कर सकते हैं एंड देन ओके आपको करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैप्चर फिंगरप्रिंट। ब्लू कलर का जो प्लस साइन है उस पर आपको क्लिक करना है और फिंगरप्रिंट डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं तो एक पॉपअप बन के आता है, चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके पे आपको क्लिक करना है एंड देन रिट्राई पे आपको क्लिक करना है। डिवाइस में आपका रेड कलर का लाइट जलेगा, आपको कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब लगवाना है और दो टाइम लगवाना है, टू टाइम्स, एंड देन आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद रेड लाइट फिर से जलती है, उसके बाद आपको थंब दोबारा से डिवाइस पे रखवाना है कैंडिडेट का एंड देन एनरोलमेंट को सेव करना है एंड फिर कंटिन्यू प्रेस करके आप दोबारा से नेक्स्ट एनरोलमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको मेनू का जो ऑप्शंस है उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी डिवाइस में जो सिंक का जो स्टेटस है वो आपको ज़ीरो रखना है एनरोलमेंट के टाइम पे। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है प्रॉपरली आपकी डिवाइस में, और अगर है तो आपको वो डिवाइस पे आपको ज़ीरो रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड CSR में जो आपको फीडबैक रिपोर्ट मिली है सेंटर से वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है आफ्टर एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको वो पेपर का फोटो बहुत ही क्लियर क्लिक करना है शिफ्ट सेलेक्ट करने के बाद, और जो कैंडिडेट वहाँ पे सेंटर पे आए हैं उनका हेड काउंट आपको लिखना है। यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप करना है, रिपोर्ट में जो काउंट आपको दिया हुआ है हेड काउंट वो आपको उस पर मैनुअली टाइप करके आपको सबमिट करना है, और इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए इस एक्टिविटी के दौरान। एब्सेंट रोल नंबर को चेक करने के लिए आपको एब्सेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। एब्सेंट लिस्ट पे क्लिक करके आप उन रोल नंबर्स को देख सकते हैं जो आज एनरोल नहीं हुए हैं, जो आपको क्रॉस चेक करने हैं सेंटर के प्रेजेंट काउंट से। और प्रेजेंट काउंट चेक करने के लिए आपको ऊपर टॉप पे आपको टोटल एनरोल कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे, जितने कैंडिडेट आज प्रेजेंट है सेंटर पे, और आपको वो सेंटर हेड से काउंट मैच करना है।